लेकिन क्या हो रहा है, मतलब हमारी गौ माता को कौन कौन सी प्रॉब्लम से अभी जूझना पड़ रहा है। तो जो मतलब गाय लोग पाले हैं उनको एक्स्ट्रा देखभाल करें, और नहीं तो फिर तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहे हैं 6 बज रहे हैं और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, सिर्फ घर में बंद पड़े थे। अभी जाके देख सकते हो थोड़ा मौसम खुला हुआ है, तो अभी जाके हम कहीं जा सकते हैं। जाना है अभी, पहले तो कुछ पैसे निकालने हैं जिससे कुछ ग्रोसरीज लेनी है, फिर कुछ पता करने जाना है, तो आज काम है थोड़ा बहुत शाम को, तो चलते हैं। चलो पहले वो काम करते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी निकल चुके हैं और ब्लॉग तो गाइस अभी रास्ते में, मतलब जो हमारे घर के बगल में एक ग्रोसरीज की शॉप है, वहाँ पे भैया मिल गए थे, तो वही मजाक मस्ती कर रहे थे, तो उनके साथ थोड़ा मजाक मस्ती मैं भी करने लगा। तो बहुत फ्रेंडली भैया है। चलो मार्केट में आते हैं, तो चलते पहले पैसे निकालते हैं। पैसे तो निकल गए और सीन अब ये है कि अब जाना है आटा लेने के लिए, घर के लिए गेहूं का आटा जो लेना है, तो वहीं जा रहा हूँ। ये गाइस एक्चुअली धागे की मशीन है, मतलब धागे की फैक्ट्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे संडे को छोड़ के बाकी दिन 24 घंटे यहाँ काम चलता रहता है, देख सकते हो पूरी फैक्ट्री है। तो हमारे घर के जस्ट बगल में है ये गली, चली जाती है मेरे घर के साइड, इतने दूर पर मेरा घर और इधर मेरे को निकलना। बाकी गाइस धीरे धीरे बारिश फिर से शुरू हो रही है, तो जल्दी से लेता हूँ आटा और घर के लिए निकलता हूँ। खाली होगा मोबाइल फिर ना भीग जाए, इस बात का डर है, तो जल्दी से चलता हूँ ले लेता हूँ। आटा मिल जाएगा भैया? क्या रेट है? 32 दे दो 10 किलो। क्या 32-35? 3 रुपये में क्या मिल रहा है? फाइनली गाइस आटा ले लिया है और बहुत ज़्यादा ही भारी हो गया है, और रात भी हो गई काफ़ी, मौसम तो गया, फिर से रात को बारिश होगी। भाई साहब दो वैरायटी का आटा इन्होंने बताई, एक बोला MP का आटा है और एक बोला UP का आटा है। अब हम अभी तक कौन सा ले जाते हैं हमें ये भी नहीं पता। हम पापा तो शायद UP का ही ले जाते हैं कि MP का ले जाते हैं, वो तो पापा को ही पता होगा। बाकी तो बहुत ज़्यादा ही भारी है बच के। बाकी गाइस हमारे घर के बाहर देखो कौन कौन खड़ी है, ये भी खड़ी है, ये इसकी बछड़ी, क्या हाल है। देखो कैसे पीछे से आ रही मारने के लिए, मारी ये देखो, ये क्या है। वैसे इन्हें अभी बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं जो इनके लिए ख़तरनाक हो गई, कई लोग तो मर भी गए इनकी फैमिली में से। तो गाइस घर पहुंच गया हूं और अब सीन ये है कि मम्मी ने नाश्ता दिया, तो अब वो खाना है। लेकिन क्या हो रहा है, मतलब हमारी गौ माता को कौन कौन सी प्रॉब्लम से अभी जूझना पड़ रहा है। तो जो मतलब गाय लोगों को पाले हैं उनको एक्स्ट्रा देखभाल करें, और नहीं तो फिर देख ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है सीन। बाकी ये है हमारा नाश्ता, तो अभी से खाते हैं, भूख तो लगी रही है। और हाँ, मैंने अपने हाथों को 2 बार वॉश किया, फिर उसके बाद से डेटॉल से सैनिटाइज किया, तब जाके नाश्ता कर रहा हूँ। तो मैं अपना सेफ्टी का ध्यान दे रहा हूँ, भले जो यहाँ पे है उसको नहीं हुआ, लेकिन अपना प्रिकॉशन तो करके रखना पड़ता है, तो वो मैंने किया है। तो गाइज अभी टाइम हो रहे हैं 9 बजने वाले हैं, और सीन ये है कि मैं अपना बैठ के कुछ काम कर रहा था, तो क्या कहते हैं यूट्यूब से रिलेटेड ही कुछ था, तो वो कर रहा था, तो
मम्मी बैठ के कल की प्लानिंग कर रही है, मैं बोला अभी से ही कल की प्लानिंग, तो मम्मी हंसने लगी। तो आओ दिखाता हूँ कि क्या कर रही है मम्मी। तो ये कुछ कर रही है मम्मी, देख सकते हो। ये दही बड़े की प्लानिंग चल रही है, हाथ हटाओ। दही बड़े की प्लानिंग चल रही है, अब इनका क्या ही कह सकते हैं। अभी से ही कर लेंगे तब ना कल बनाएंगी, अभी से इनको करना है। कल तो इनको घूमने जाना है कहीं, क्या ही कहूँ मैं। और खाना भी बन चुका है। तो माता श्री खाने में क्या सब्जी है आज? चना आलू सब्जी, बैंगन आलू अदौरी बड़ी की सब्जी। भाई साहब इतनी सब्जियां बना रखी इन्होंने, हमें तो भूख भी नहीं लगती। तो गाइस अभी 11 बजने वाले हैं और मेरे कहे अनुसार मतलब रात को बारिश होगी, मैंने बोला था, और बारिश हो रही है बाहर, तो ठंडी सी लग रही है। बाकी कपड़ों को तो ढक के रखना पड़ेगा, नहीं तो जो ठंडी लगी तो फिर बुखार वुखार तो फिक्स है होना। बाकी बाहर गाय लोग बैठे थे तो बैठी थी, तो मतलब तो वो लोग तो भाग गई होंगी बारिश में कहीं, क्योंकि उन लोगों को रहने का कोई शेल्टर है नहीं, किसी के घर के छत के नीचे, तो कैसे करके मैनेज करके वो लोग रहेंगे। तो मेरा प्लान है फ्यूचर में इनके लिए भी कुछ करना है, इन फ्यूचर कुछ ना कुछ इनके लिए करना है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। आप लोग सपोर्ट करिएगा उसके लिए, वो दिखाऊंगा मैं क्या क्या करूंगा उनके लिए। तो अभी तो ये प्लान है, अभी भूख भी लगी है, तो देखते हैं क्या खाने के लिए है। तो चलो, तो गाइस ये हमारा रहा चना और आलू की सब्जी है इसमें, तो ये है खाना हमारा। बाकी बाहर तो बारिश हो रही है, तो चलो बारिश के मौसम में बैठ के मूवीज़ देखते देखते खाना खाते हैं और क्या। बाकी अभी तो कितने 24 या 25 तक तो बारिश का रेट है, अभी बारिश के मौसम तो ये बहुत आएंगे, तो इंतज़ार करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहे हैं 12 बज रहे हैं, और क्या कहते हैं, अब बैठा हुआ था मैं मूवीज़ देख रहा था एक्चुअली। तो मूवीज़ देखते देखते मतलब फिर सोचा क्यों ना वीडियो को मतलब ब्लॉग को एंड कर दूँ, और फिर उसके बाद अपना एडिटिंग कर लूँगा जो बचे बचे ब्लॉग्स उसको। तो वही करना है। तो चलो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है। तो कर लिया करो, सपोर्ट करो जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फैमिली में, फैमिली फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, और जितने हो सके उतना शेयर कर दो। तुम्हें मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय। Oh, 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 oh